आहिस्ता बोलो। किसको नजर के सामने पाता हूँ मैं, टंग लार दा होवे ते पावे चंग दा, टंग वाला खैर मंग दा। इंसान की ज़िंदगी भी बड़ी अजीब दौर से गुजरा करती है। बचपन से लेकर जवानी तक अजीब नशीब व फराज हर शख्स खूब तय करता है। हम जब छोटे से थे तो हम अदाकार सुधीर के ऐसे परसितार थे कि अगर कोई सुधीर की शान में एक लफ्ज़ भी कहता तो हम उसकी टकाई कर दिया करते थे। फिर कुछ दिन हम पर अदाकार सुधीर की जंगजू और एक्शन वाले किरदारों की नकाली का दौरा पड़ा। हम ऐसे परसितार थे कि हम अदाकार सुधीर की शान के ख़िलाफ़ किसी की कोई बात या मजाक तक भी बर्दाश्त नहीं करते थे। हमारे नज़दीक सुधीर की शान एक सिर्फ अदाकार की ही नहीं थी, बल्कि हमारे नज़दीक सुधीर इज्जत और गैरत का इस्तियारा और संग मील था। दुश्मन के लहजे में बात करके मुझे दुश्मन बनने पर मजबूर न। हमारे नज़दीक सुधीर हीरोइनों के पीछे फिल्मों में भागने दौड़ने और गाना गाने वाला न था, बल्कि एक ऐसा किरदार था जिसके अंदर गैरत, इज्जत और मोहब्ब वतन होने के अंदाज कोट कोट कर भरे हुए थे। और ये सब कुछ यूं ही नहीं था, बल्कि अदाकार सुधीर हकीकत में ऐसे ही किरदारों का हामिल अदाकार था। और यूँ मैं अगर ये दावा करूँ कि सुधीर जैसा फनकार न कोई उन दिनों था और ना ही आज तक पैदा हो सका, और गुमान गालिब यही है कि न सुधीर जैसा अदाकार आइंदा जन्म लेगा। जब गैरत जोश में आती है तो हैबत कुफार कैसे लड़ती है। सुधीर हमारी फिल्मी सनत का न सिर्फ मारूफ नाम था, बल्कि ये अपने दौर का सबसे ज्यादा मशहूर मारूफ और जंगजू हीरो भी था। उनका असल नाम शाहजमान खान अफरीदी था। आमतौर से न सिर्फ फिल्मों में ही बल्कि फिल्मी दुनिया से बाहर भी उन्हें लाला सुधीर के नाम से पुकारा जाता था। उनकी मकबूलियत की वजह उनके किरदार थे, जिनमें लाला सुधीर ने एक्शन और जंगजू के बेमिसाल लाजवाल और अनमिट किरदार अदा किए। इस वजह से उनके नाम को फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझा जाता था, क्योंकि पाकिस्तान की इस दौर में कामयाब तरीन फिल्में में उनका नाम शामिल था। जालिम चौधरियों के गैरत वाले मुजारे ऐसे इन्ना ही फर्क होता है, उसी बहन दी इज्जत बचान ली जान दे देने आ, उसी जान बचान ली इज्जत दे देने। अदाकार सुधीर ने भारत की फिल्मों में भी काम किया, लेकिन पाकिस्तान में उनकी बनने वाली फिल्में कामयाबी की आला मसंद पर दिखाई देती है। लाला सुधीर 1922 में लाहौर में पैदा हुए और 1947 में एक भारतीय फिल्म फर्ज से अदाकारी का आगाज किया। हचकोले उनकी पहली कामयाब फिल्म थी, जो कि 1949 में रिलीज हुई। दूसरी फिल्म दुपट्टा थी, जबकि उन्हीं की उर्दू जुबान में बनने वाली फिल्म सस्सी थी, जिसने पहली गोल्डन जुबली फिल्म का एजाज हासिल करके मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया। 1956 में दिल्ला बट्टी और माही मुंडा भी कामयाब फिल्में साबित हुई। यक्के वाली के फिल्म साज बारी मलिक थे, और कहा जाता है कि यक्के वाली ने इतना बिजनेस किया था के बारी मलिक ने यक्के वाली की आमदनी से एक बहुत बड़ा बारी स्टूडियो बना लिया था। ये जान दिए कच्ची ये जुबान दिए। इस तरह 1956 में अदाकार सुधीर की फिल्म बागी नुमाइश के लिए पेश हुई। इस फिल्म ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए। बिलखसूस चीन से बागी को खसूसी एवार्ड भी मिला। बागी की कामयाबी ने अदाकार सुधीर के फिल्मी कैरियर को चार चांद लगा दिए, और बागी ने ही सुधीर को जंगजू अदाकार का एजाज दिलाया। और यूं बागी के बाद सुधीर की शोहरत मुल्क के कोने कोने तक ही नहीं फैली, बल्कि मुल्क के बाहर भी कई ममालिक में सुधीर के चर्चे होने लगे। निगाहें मिला के, निगाहें मिला के, जरा मुस्कुरा दो। 1956 में सुधीर ने फिल्म हातिम ताई में भी काम किया। हातिम ताई के किरदार ने यह साबित किया सुधीर एक्शन और जंगजू किरदारों के अलावा भी दीगर किरदार अदा करने की कुदरत रखते हैं। इसलिए अनारकली में शहजादा सलीम बने, मिर्जा साहिबा में मिर्जा का किरदार अदा किया, और सोहनी में महीवाल का किरदार अदा किया। 1961 में फिल्म गालिब में गालिब का किरदार अदा करके कमाल महारत का मुजाहरा किया। और यू करतार सिंह, झूमर, गुल बकाउली और नूरान जैसी कामयाब फिल्में भी अदाकार सुधीर के फन बेमिसाल की तारीखी फिल्में हैं। इन फिल्मों में अदाकार सुधीर हर फिल्म में निराले, अनोखे और ज़बरदस्त किरदार में दिखाई दिए, जिससे उनकी शोहरत में और भी खूब इजाफा हो गया। लेकिन फिल्मी तारीख में जब भी कोई शख्स कलम उठाएगा और पाकिस्तान की फिल्मी तारीख पर लिखेगा, तो सुधीर से मुतालिक लिखे बगैर
वो पाकिस्तान की फिल्मी तारीख से इंसाफ नहीं कर पाएगा। मुझे बता साबरा, अगर इस गांव में किसी ने तुझ पर उंगली उठाई है तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। अदाकार सुधीर ने पाकिस्तान की फिल्मी तारीख को 1964 में फिरंगी, 1961 में जफहान, 1965 में जीदार, 1970 में माँ पुत्र जैसी फिल्में देकर दुनिया भर में आला मकाम बनाया। ये वो फिल्में हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक से भी बेपनाह दाद वसूल की। माँ पुत्र पंजाबी फिल्म थी मगर इसने कराची जैसे शहर में प्लैटिनियम जुबली मनाई और ये 90 हफ्ते के लगभग नुमाइश पजीर रही। इस तरह फिरंगी ने भी एक नई तारीख रकम की और जब खान ने भी एक तारीखी फिल्म होने का एजाज हासिल किया। अजब खान अफरीदी का किरदार अदाकार सुधीर ने कमाल हुनरमंदी से अदा करके ये साबित किया कि एक्शन बड़े किरदारों के लिए सुधीर से बेहतर कोई और अदाकार है ही नहीं। एक अजीब इतफाक है कि फिल्म में जो किरदार अजब खान का अदा किया वो अफरीदी कबीले का था और अदाकार सुधीर का भी पठान कौम के अफरीदी कबीले से ही ताल्लुक था। अदाकार सुधीर ने अपनी जाती फिल्में भी बनाई, इनमें से साहिल फिल्म के लिए अदाकार सुधीर ने शेर के साथ फाइटिंग के सीन हकीकी और जिंदा शेर के साथ लड़ते हुए फिल्माए थे। साहिल के लिए सुधीर ने एक शेर खरीदा था और इसके साथ काफ़ी दिनों तक अपनी शनासाई कराते रहे। अदाकार सुधीर ने हमेशा जो भी किरदार अदा किया उसके साथ भरपूर मेहनत करके उस किरदार को जिंदा किया करते थे। अदाकार सुधीर ने एक के बाद दीगरे 5 शादियाँ की। बेशुमार फिल्मों में उन्होंने जैसा कि लाटरी, अनदाता, आखिरी निशान में इस तरह से किरदार अदा किए कि इन किरदारों को जिंदा कर दिया। उन्हें माँ पुत्र और लाटरी में बेहतरीन अदाकारी पर निगार एवार्ड भी मिला, जबकि उन्हें ना तो एवार्ड के मिलने में दिलचस्पी थी और ना ही आजकल के अदाकारों की तरह मीडिया में इन रहने की कोई ज़रूरत कभी महसूस की और ना ही फिल्मों में किसी अदाकार के पीछे दौड़ने, भागने और उसके साथ डांस करने के सीन कभी फिल्माए। हमेशा उन्होंने इज्जत, गैरत और बुर्दबारी से अपनी ज़िंदगी बसर की। अफरीदी पठान होने की बिना पर यह बहुत ही खूबसूरत और हसीन तरीन नौजवान थे। फिल्मी दुनिया का ये नामवर फिल्मी सितारा आखिरकार 19 जनवरी 1997 को लाहौर में इंतकाल कर गया। आज अगर मैं ये दावा करूँ कि हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े फनकार पड़े हैं मगर इनमें शाहजमान खान यानी लाला सुधीर जैसा कोई फनकार नहीं, तो ये बेजान न होगा।